Abbas. ये सैकड़ों की भीड़ और भारतीय सेना के यूनिफॉर्म में मंच पर खड़े युवक, नजारा है बाहरी दिल्ली के किराड़ी क्षेत्र का, जहां सेना में भर्ती होने पर इन युवकों के लिए बड़े विदाई समारोह का आयोजन किया गया। ये आयोजन किया गया था किराड़ी के मशहूर चार्ली एकेडमी के द्वारा, जिसके सूत्रधार हैं जीतू फौजी। इसे देशभक्ति का जुनून कहें, विधायक ऋतुराज झा ने इनको किराड़ी रत्न कहकर सम्मानित किया। तो ये वो साथी है जो किराड़ी रत्न है हमारा, ये किराड़ी रत्न है। और मुझे यकीन है आज जिस साथी को मैं किराड़ी रत्न बना रहा हूं, वो इतना अच्छा काम अगर करता रहा तो एक दिन जाकर के इस देश का भारत रत्न भी बनेगा। दिल्ली दर्पण टीवी ने बात की किराड़ी चार्ली एकेडमी के संस्थापक जीतू फौजी की, जो खुद भी फौज में रह चुके हैं और फौज से रिटायरमेंट लेने के बाद गरीब और मध्यम वर्ग के युवकों के लिए मुफ्त प्रशिक्षण की सेवा शुरू की। कि मेरे साथ कुछ लोग नहीं, अब तो मेरे साथ पूरी सरकार जुड़ गई है, और जो मेरे बड़े भाई हैं ऋतु भैया हैं, गोगी भैया हैं, और जो यहाँ के जितने भी प्रतिष्ठित लोग हैं, जिस तरीके से सुरजीत भैया हैं, जिस तरीके से कॉपरेट कर रहे हैं, मैं विश्वास दिला रहा हूँ कि जितना मैं जोश और जितना जुनून से काम कर रहा था, मैं उससे 50,000 गुना ज़्यादा मेहनत करके और अपने सपने को मैं कम से कम 2 से 3 साल में पूरा करके दिखाऊंगा। और यहाँ के प्रेम नगर के गली गली से एक एक चप्पे चप्पे से मैं एक एक फौजी निकाल कर दिखाऊंगा। अब तक 200 से ज्यादा युवक चार्ली एकेडमी से निशुल्क। धन्यवाद। 10